गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का पाठ 8 प्लास्टिक प्रदूषण का अभ्यास राइटिंग स्किल, जो कि हमारा गद्यांश रह गया था घ एक्सरसाइज का, और लैंग्वेज स्किल भाषा कौशल जो व्याकरण पर आधारित है वो करेंगे। बेटे ध्यान पूर्वक सुनना और समझना। तो आइए अब हम राइटिंग स्किल का अभ्यास घ निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम गद्यांश पढ़ेंगे। गद्यांश है, आवश्यकता इस बात की है कि आम नागरिक इसके प्रति जागरूक हो। इसके लिए बहुत छोटे छोटे कदम उठाए जा सकते हैं। प्लास्टिक की थैलियों के विकल्प के रूप में जूट और कपड़े से बनी थैलियों और कागज की थैलियों को लोकप्रिय बनाया जाना चाहिए। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि कागज की थैलियों के निर्माण में पेड़ों की कटाई निहित होती है और उनका उपयोग भी सीमित है। हाँ, ऐसी प्लास्टिक थैलियों का उपयोग किया जा सकता है जो धरती में सड़ गल सके। धरती में सड़ने गलने लायक प्लास्टिक के अनुसंधान में हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं। तो आइए अब हम प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, आम नागरिकों को किसके प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है? आम नागरिकों को प्लास्टिक की थैलियां और उससे बनी वस्तुओं के प्रति जागरूक होने की आवश्यकता है। सेकंड क्वेश्चन, प्लास्टिक की थैलियों का विकल्प किसे बनाया जा सकता है? प्लास्टिक की थैलियों का विकल्प जूट, कपड़े से बने थैले और कागज की थैलियों को बनाया जा सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई कम करने के लिए क्या किया जा सकता है? पेड़ों की कटाई कम करने के लिए जूट और कपड़े के थैलों का प्रयोग किया जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन, किस प्रकार की प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए? प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए जो धरती में सड़ने गलने लायक प्लास्टिक से बनी हो। तो बेटा, इस तरह हमारा राइटिंग स्किल अभ्यास खत्म हुआ। अब हम लैंग्वेज स्किल जो व्याकरण पर आधारित है वो कर रहे हैं। तो इसमें है प्रत्यय, वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में बदलाव ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे बलवान, बल मूल शब्द है, अगर बल होता है शक्ति, अगर हम इसमें वान लगा देते हैं तो ये बन गया बलवान, मतलब शक्तिशाली। तो आइए अब हम अभ्यास क्या करते हैं इसका। नीचे दिए गए प्रत्ययों से दो दो शब्द बनाइए। पहला है ये, तो इसका बनेगा भारतीय दर्शनीय। ई, खुशी धनी। इत, पुष्पित वांछित। इला, चमकीला रंगीला जहरीला, कुछ भी बना लो। अब अभ्यास है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है कृत्रिम, कृत्रिम होता है आर्टिफिशियल, तो इसका होगा प्राकृतिक। दूसरा हानिकारक, लाभदायक। तीसरा निर्माण, विध्वंस। चौथा सहज, असहज। अभ्यास गै, निम्नलिखित शब्दों को उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे सूर्योदय, सूर्य प्लस उदय, तो ऐसे ही पहला वर्ड है सर्वाधिक, सर्व प्लस अधिक। विषाक, विष प्लस अक, विष
प्लस आक्त विषाक्त, तीसरा है पुनर्चरकित, तो पुने फिर विसर्ग प्लस चरकित, पर्यावरण परी प्लस आवरण। उसके बाद निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब शब्द है रंग, इसका विशेषण बनेगा रंगीन, मुझे रंगीन लिफाफा चाहिए। हृदय, इसका विशेषण बनेगा हार्दिक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जल का जलीय, कमल जलीय पौधा है, जल में रहने वाला। विष, विषैला, ये सांप बहुत विषैला है। तो बेटा इस तरह हमारा ये पाठ राइटिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और लैंग्वेज स्किल करके समाप्त किया। इसको ध्यानपूर्वक आप सुनकर इसके गद्यांश के क्वेश्चन आंसर कॉपियों में और लैंग्वेज स्किल का अभ्यास के, ख, ग और घ ये बुक में भरेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मेरी वीडियो को लाइक करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।